दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉलीवुड की मूवी द एथ नाइट को, जिसे डायरेक्ट किया है किम ताहयुंग और इसकी IMDb पर रेटिंग है 5.4 out of 10। दोस्तों, ये मूवी एक हॉरर मूवी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हम मूवी की स्टार्टिंग में एक डेमन को देखते हैं जो कि हेल से आया हुआ होता है और वो दुनिया में तबाही मचा रहा था। उसकी एक आंख ब्लैक होती है और एक आंख रेड। तो एक बुद्धा वो उसकी दोनों आंख निकाल लेते हैं ताकि उसके बारे में कुछ बुरे एक्टिविटीज में कमी आ सके। फिर बुद्धा दोनों आईज को एक जगह पर बंद करना चाहते थे। ब्लैक आई को वो एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, लेकिन रेड आई जिसे पहले ही वो वहां से भाग जाती है और 7 दिन तक मिसिंग रहती है और इन 7 दिनों में 7 लोगों को पोजेस करती है और उन पर अपना कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि ये रेड आई डेंजरस थी। लेकिन बुद्धा जैसे तैसे करके उस आई को भी पकड़ लेते हैं और 8वें दिन उसे भी एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और दोनों आईज को दुनिया के अलग अलग कोनों में भेज दिया जाता है ताकि इन आईज को कहीं दूर छुपा दिया जाए और कभी कोई इनको ना खोले, वरना डेमन वापस आ सकता है। फिर इस घटना को कई साल गुजर जाते हैं और हम मूवी में प्रेजेंट वाला सीन देखते हैं जब कुछ लोग उसको ढूंढने के लिए जाते हैं और उन्हें वो बॉक्स भी मिल जाता है। फिर उसके बाद वो लोगों को प्रूव करता है कि वाकई में उसे वहाँ डेमन की आंख मिल चुकी है। अब इस बात को 14 साल बीत जाते हैं, हम 2021 का टाइम देखते हैं। फिर हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो आंख के ऊपर खून डालता है और अपना खून भी शामिल करता है ताकि उस आंख की ताकत वापस आ सके और वो अपने इस प्लान में कामयाब हो जाता है। राइट आई में वापस से उसकी ताकत आ जाती है और फिर दूसरी तरफ हमें एक मॉन्क दिखाया जाता है जो कि एजेड होता है। उसको रियलाइज हो जाता है कि रेड आई की पावर वापस आ चुकी है और उसे लड़ने वाला कोई इंसान है और जो बाकी ब्लैक आई रह गई थी वो भी बुद्धा के स्टेच्यू से नीचे मिल चुकी थी। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जाता है जहाँ एक वर्कर काम कर रहा होता है और वो पहले मॉन्क हुआ करता था, उसका नाम होता है पार्क। और यहाँ से ये सीन उसी मॉन्क पर शिफ्ट होता है जिनको रेड आई के एक्टिव होने के बारे में पता चल चुका था। उसके पास उनका एक स्टूडेंट आ जाता है जो कि बोल नहीं रहा था, क्योंकि 2 साल से उसने ना बोलने की प्रॉमिस ले रखी थी, और इसका नाम होता है चियोंग सुक और ये मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। अब मॉन्क उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं और उसे डीमन की स्टोरी बताने लगते हैं कि वो रेड आई एक्टिवेट हो चुकी है जो कि उसे डीमन की ही है। वो 7 दिनों के अंदर 7 लोगों पर कब्जा कर लेगी, उसे प्रोसेस कर लेगी। इसके बाद ब्लैक आई को भी ढूंढा जाएगा और वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और फिर 8वें दिन पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन अब इसका क्या हाल है, दुनिया को कैसे बचाया जा सकता है? तो मॉन्क बताते हैं कि ये रेड आई जिन 7 लोगों को पोजेस करेगी, यानी कि चेन वाइज चलेगी, लोगों की चेन में से किसी एक आदमी को मारना होगा, क्योंकि अगर इन्होंने किसी एक पोजेस आदमी को मार दिया तो वो चेन टूट जाएगी और रेड आई अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। और अब ये इंसिडेंट शुरू होने शुरू हो चुके थे। रेड आई ने लोगों को पोजेस करना शुरू कर दिया था। अगली सुबह जब चियोंग सुक सो रहा होता है तो उसके साथ मॉन्क बैठे होते हैं जो उसे एक बॉक्स देते हैं और उसे कहते हैं मेरे पास पार्क को ले आओ। लेकिन इससे पहले उस मॉन्क की डेथ हो जाती है। चियोंग सुक के लिए काफी हैरान कर देने वाली बात थी ये। फिर अगले दिन हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है। आज 3रा दिन था जब से रेड आई ने अपना काम शुरू कर रखा था, यानी कि अब तक वो 2 लोगों को पोजेस कर चुकी थी, एक हंटर को और एक पार्क को, और ना जाने अब किसको पोजेस करती। फिर वो डिटेक्टिव उस होटल के अंदर आता है जहाँ पर उसे पोजेस हंटर ने जाके कपल में से एक आदमी को मार दिया। लड़की तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन आदमी की बॉडी के साथ साथ हम उस हंटर की डेड बॉडी भी देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब चियोंग सुक के मॉन्क की तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसके मॉन्क ने जो कहा था वो उसे पूरा करना था, तो बस वही बॉक्स अपने बैग में रखकर पार्क को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में उसका बैग कोई उठा लेता है और उसे एक लड़की पर डाउट होता है, लेकिन वो लड़की भी देखते देखते गायब हो जाती है। चियोंग सुक उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन उस दौरान उसे पार्क का घर मिल जाता है और वो वहीं पर बैठा रहता है। और रात को पार्क आ जाता है और वो पार्क को बताता है कि मेरे से वो बॉक्स गुम हो चुका है और मेरे मॉन्क ने आपको देने के लिए वो भेजा था। तो पार्क उस मॉन्क की सोल से बात करने लगता है और ऐसा सिर्फ वही कर सकता है। वो मॉन्क उसे कहते हैं कि उसे एक लड़की को भी पोजेस करना होगा और हमें उसी को रोकना होगा और फिर ये सब थम जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही पार्क और चियोंग सुक निकल पड़ते हैं। पार्क देखता है कि चियोंग सुक ने शूज काफी खराब पहने हुए हैं, तो वो उसे नए शूज लेकर देता है। चियोंग सुक उसे थैंक यू बोलता है जो 2 साल से उसे ना बोलने का रोजा रखा हुआ था और वो टूट जाता है। फिर ये लोग निकल जाते हैं उसी सातवें पोजेस्ड पर्सन को ढूंढने के लिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उन्हें उसे रोकना ही था। अब ये लोग उस सातवें पर्सन को ढूंढने लगते हैं क्योंकि इसको इसे रोकना था। अब रात हो जाती
जाती है और रात को अपने पास के बारे में उसे कुछ बुरे सपने आने लगते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि पार्क अपनी फैमिली को एक एक्सीडेंट में खो चुका था, लेकिन जिस लेडी ने उसे मारा था उसका एक छोटा सा बेटा था। पार्क ने उसका गला दबाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच्चे को छोड़ देता है और कहता है कि ये गलत है। उसने इस बच्चे को छोड़ दिया और इन लोगों को 7 दिन होने से पहले उस लड़की की लोकेशन पता लगानी थी। दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं कि जो कि उस लड़की को ढूंढ रहा था, लेकिन उसके पीछे डिटेक्टिव लग जाता है और उसे कहता है कि जितने भी मर्डर हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पार्क का हाथ होगा। फिर चियोंग सुक जब वहाँ से निकल रहा होता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है और उसको भी रेड आई ने पोजेस्ड कर रखा था। वो काफी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। फिर चियोंग सुक फौरन वहाँ से भाग जाता है और जाकर पार्क को बताता है कि मुझे पता चल चुका है कि वो लड़की कौन है। तो पार्क कहता है कि जिस लड़की की तुम्हें लोकेशन पता चली है मैं उसका मर्डर करने जा रहा हूँ। फिर चियोंग सुक भी उसके पीछे जाने लगता है ताकि वो लड़की की जान बचा सके। दूसरी तरफ डिटेक्टिव भी पार्क का पीछा कर रहा होता है। जब वो देखता है कि पार्क के हाथ में कुल्हाड़ी है तो उसे पूरा डाउट हो जाता है कि उसी लड़की को वो मारने जा रहा है, लेकिन चियोंग सुक वहाँ पर पहुँच जाता है और उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वहाँ पार्क आ जाता है और पार्क के पीछे पीछे डिटेक्टिव भी आ जाता है और यहाँ दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है जिसको रेड आई ने पजेस्ट कर रखा था। वो डिटेक्टिव को उठाकर फेंक देती है और डिटेक्टिव बेहोश हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि पार्क इस लड़की को ही मारने आ रहा था, ना कि उस लड़की को जिसे चियोंग सुक पहले मिला था। वो अपने एक्स पर कोई स्पेलिंग लिखता है और उसको सिर्फ लड़की की तरफ फेंक देता है ताकि उसे मार सके। लेकिन वो लड़की बाहर एक और डिटेक्टिव से हेल्प मांगती है और डिटेक्टिव पार्क पर गन पॉइंट करता है, लेकिन तभी वो पोजेस्ड लड़की उस डिटेक्टिव को पीछे से आकर पकड़ती है और उसके फेस पर आई बनाने लगती है और वही रेड आई उसे डिटेक्टिव के अंदर चली जाती है। और अब यहाँ पर डिटेक्टिव बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और पार्क से लड़ने लग जाता है, लेकिन पार्क वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन होता है 7वां दिन और हो जाता है 7वें दिन। 7वें दिन रेड आई किसी और को पोजेस्ड करने वाली होती है। फिर हम पार्क को देखते हैं कि वो भागता भागता पुलिस स्टेशन तक आ जाता है क्योंकि उसे टेंपल की बस चाहिए थी जहाँ उसे 8 नाइट से पहले पहुँचना था, लेकिन बस लेट हो चुकी होती है तो वो वहीं पर वेट करने लगता है। और फिर बस का टाइम आ जाता है और पार्क उस टेंपल के लिए निकल पड़ता है। फिर इसी के साथ वो पोजेस्ड डिटेक्टिव भी वहाँ पहुँच जाता है और फिर हम देखते हैं कि चियोंग सुक उस लड़की के साथ होता है। वो लोग एक जंगल में होते हैं और वहीं पर एक जगह पर रेस्ट करते हैं। फिर हम उस डिटेक्टिव को देखते हैं जिसको उस पोजेस्ड लड़की ने बेहोश कर दिया था। वो उस घर के अंदर जाता है जहाँ पर वो लड़की रहती थी, तो उसे वहाँ पर एक औरत मिलती है जो उसे सारी कहानी बताती है जिसने रेड आई को एक्टिवेट किया था। उसको ये लड़की पसंद किया करती थी और ये एक घोस्ट है, इसीलिए अब तक इसकी एज नहीं बढ़ी और इसने अपना खून भी दिया था ताकि उस रेड आई में पावर आ सके। और ये सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ उसके लिए किया जिसने आई को एक्टिवेट किया। वो कुछ और एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, लेकिन ऐसा करना भारी पड़ गया क्योंकि उस आई ने उन सब लोगों को मारना शुरू कर दिया था जिसका ब्लड उसके अंदर गया। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क भी उस जंगल में पहुंच जाता है जहां पर चियोंग सुक और वो लड़की थी। और तभी वहां पर चियोंग सुक नोटिस करता है कि उसका बैग वहां पर पड़ा हुआ है जिसमें ब्लैक आई वाला बॉक्स है और ये इसी लड़की ने चुराया होता है क्योंकि ये दोनों आईज को एक साथ करना चाहती थी और अपनी जान बचाना चाहती थी। लेकिन इन लोगों को ये पता चल जाता है कि आखिरी पर्सन वही डिटेक्टिव है जिसके अंदर उस लड़की की वजह से रेड आई गई। और यहाँ पार्क जानता था कि वो डिटेक्टिव पीछा करते करते टेंपल तक पहुँच गया तो यहाँ भी जरूर आ जाएगा और जैसे ही यहाँ पर आएगा तो हम उसे खत्म कर देंगे। तो देखा दोस्तों, शुरू में हमें वो डिटेक्टिव मेन कैरेक्टर नहीं लगा, लेकिन उसका कितना बड़ा रोल था इस मूवी में। और जब वो डिटेक्टिव पार्क के पास आता है तो उसके कान में कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो कि इन दोनों आईज को हैंडल कर सके। चियोंग सुक को वो पोजेस्ड करना चाहता है। पार्क ये सुनकर हैरान हो जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि उसे यहाँ पर रियलाइज होता है कि इस आईज का असली गार्जियन कोई और नहीं बल्कि वो खुद नहीं बल्कि चियोंग सुक था। और इसी के साथ डिटेक्टिव पार्क को एक गन देता है कि तुम खुद को शूट कर लो क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, लेकिन पार्क उस डिटेक्टिव को ही शूट कर देता है और ये चीज उसे गुस्सा दिला देती है और वो पार्क पर हमला कर देता है और साथ ही पार्क पर चिल्लाने लगता है, चियोंग सुक ये मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया है, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। लेकिन इससे पहले कि चियोंग सुक वहाँ से भागता है वो डिटेक्टिव उसके पीछे जाने लगता है और पार्क उसके पीछे पोजेस्ड डिटेक्टिव चियोंग सुक को पकड़ लेता है। लेकिन पार्क अपनी कुल्हाड़ी लेकर आ रहा होता है और वो उस पोजेस्ड डिटेक्टिव पर अटैक कर देता है और उसे अपनी कुल्हाड़ी से मारता है। लेकिन इसी दौरान वो डिटेक्टिव भी आ जाता है जिसे पार्क पर डाउट था और वो लोगों को मारता है और उसे पूरी स्टोरी नहीं पता थी, तो वो डिटेक्टिव पार्क पर शूट कर देता है। साथ ही वो अपने दोस्त डिटेक्टिव के पास जाता है जो कि कुल्हाड़ी की वजह से मर चुका होता है और उसकी बॉडी श्रिंक हो रही होती है बिल्कुल बाकी
के लोगों की तरह, लेकिन अब रेड आई एक्टिवेट हो चुकी थी। ची योंग सुक की बॉडी में ची योंग सुक उस डिटेक्टिव के पीछे होता है और उसके फोरहेड पर वो रेड आग चमक रही होती है और वो डिटेक्टिव को उठाता है और उसे जोर से दूर फेंकता है और एक पेड़ की टहनी उसके ऊपर बॉडी के आर पार हो जाती है। फिर ची योंग सुक वो ब्लैक आई वाला बॉक्स खोल देता है ताकि दोनों आईज इकट्ठी हो जाए और डिमन दोबारा एक्टिवेट हो जाए। लेकिन जैसे ही पार्क ये देखता है तो डिमन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ची योंग सुक को कुछ मत करना, मैं सेक्रीफाइस करता हूँ, तुम मुझे ले जाओ। लेकिन तभी डिमन वहाँ चालाकी करता है और वहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से पार्क को ची योंग सुक में उस बच्चे की शक्ल दिखाई देने लगती है और वो वही बच्चा होता है जिसको पार्क आज मारने वाला था। और डिमन ऐसा इसलिए करता है ताकि पार्क बच्चे को मार दे और रेड आई इसकी बॉडी से बाहर आ जाए और ब्लैक आई के साथ मिलकर ये दोनों एक साथ हो जाए और डिमन भी एक्टिवेट हो जाए। तो पार्क छोटे से बच्चे के मुंह को टच करने लगता है और उसके मुंह से निकलने वाले ब्लड से कुछ लिखने लगता है तो डिमन को गुस्सा आ जाता है। ये इस बच्चे को मार क्यों नहीं रहा? यानी जो डीमन उस बच्चे के अंदर होता है वो पार्क पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी पार्क स्पेल पढ़ने लगता है जिसकी वजह से ची योंग सुक के फेस पर लिखा था वो स्पेल चमकने लगता है और जलने लगता है और इसी वजह से उसकी बॉडी में जो डीमन होता है वो बाहर आ जाता है और उसकी बॉडी को छोड़ देता है। लेकिन इसके बाद वो डीमन पार्क के अंदर आ चुका था। ची योंग सुक जो सिनसैंग में होता है तो उसे सब बातें याद आने लगती है कि पार्क उस डीमन को मारना चाहता था और उसने उसकी रिस्पेक्ट मोंग के कहने पर अपनी जान को देने के लिए भी था। तो ची योंग सुक उस डीमन को मारने के लिए पार्क पर ही कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है और उसकी जान ले लेता है और यहाँ पर फाइनली वो डीमन मारा जाता है और गायब हो जाता है। सब कुछ पहले जैसा होने लगता है और फिर मूवी के लास्ट सीन में हम ची योंग सुक को देखते हैं जिसने अपना फेस कवर कर रखा होता है और वो उसी रेगिस्तान में होता है जहाँ से वो रेड आई वाला बॉक्स निकल गया था। वो उस बॉक्स को दोबारा से दफना देता है इस उम्मीद के साथ कि रेड आई कभी वापस नहीं आएगी और ना ही वो ज़ालिम डीमन। फिर उसके बाद हम देखते हैं ची योंग सुक के पांव में जो चेन होती है वो भी खुल जाती है क्योंकि वो अब पूरी तरह से आजाद था और वहाँ पर उसे वो प्यारी सी लड़की का घोष भी दिखाई देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो क्यों दोस्तों, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।